खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलका लांबा ने देश में महिलाओं पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा निकालने की बात कही। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है उन राज्यों की हालत क्या है पहले वह देखे, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अपनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वैसे तो पहले बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड पहला दौरा है। आज हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही हूँ मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं, उन पे चर्चा होगी। बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इस न्याय पर बात होगी। बात होगी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री अपराधी है, दोषी है, सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन लड़ाइयों को लेकर हम जा रहे हैं। हम आगे जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की, गांव में बैठी बहन बेटियां गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, हम उन बहनों तक पहुंचेंगे नारी न्याय यात्राओं के माध्यम से। उन बहनों से बात करके उनको आर्थिक सशक्तिकरण, कैसे वो अपने घर बैठे 10-15 हजार रुपए कमा सकती हैं, उस पे हम उनको मदद करेंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अत्याचार हो, या किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार हो, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक की आप किसी भी घटनाक्रम को यदि दुर्भाग्यवश इस देवभूमि में हो भी गई हो, तो आप ये देखेंगे कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है। मैडम